नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज जनता के चेहरे पर मुस्कान है, सुकून है। खासतौर से निचले तबके के लोग की जिंदगी बहुत उन बदलाव आया है, और ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भूपेश सरकार गरीबों को बदहाली के दौर से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्ती, तालाब पार रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मोर चिन्हारी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में आवास मेला और शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी को कुछ भी समझने में कोई दिक्कत ना आए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किस तरह से गरीबों को नई पहचान दिला रही है, चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं खास पेशकश गरबो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने आवासहीनों को आवास देने, कच्चे मकान वालों को पक्का मकान देने, साथ ही किरायेदारों को भी घर देने की योजना में तेजी ला दी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित योजना मोर जमीन मोर मकान के लिए मकान देने की शुरुआत कर दी है। भूपेश सरकार ने इस योजना को छत्तीसगढ़ में अब नया नाम और स्थानीय पहचान दी है। इस योजना को प्रदेश में मोर जमीन मोर चिन्हारी के नाम से जाना जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्ती, तालाब पार रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाकर दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ लेकर निम्न वर्ग के लोग जिंदगी बदल रही है। ये तस्वीर राजधानी रायपुर की है। ये तस्वीर झुग्गी झोपड़ी बसाहट की है। ये तस्वीर मलिन बस्तियों की है। ये तस्वीर शहर में नरकी जीवन जीने वाले रहवासियों की है। लेकिन इन तस्वीरों को बदलने, यहाँ के रहवासियों के जीवन में नया रंग भरने, यहाँ के लोगों को सम्मान के साथ जीने, रहने का हक देने, उन्हें भी पक्का मकान में बसाने की योजना में तेजी भूपेश सरकार ने ला दी है। पीएम आवास के तहत संचालित मोर जमीन मोर मकान योजना छत्तीसगढ़ में एक नया नाम दिया है। इस योजना को अब प्रदेश में मोर जमीन मोर चिन्हारी के नाम से जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। तब उन्होंने योजना के बारे में बताते हुए कहा था कि मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत 1,60,000 परिवारों को आवास निर्माण सहायता दी गई है। मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार, डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राही को मात्र 75,000 रुपए में घर मिलेंगे। नगरीय निकायों को जन उपयोगी विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत 1,60,000 परिवारों को आवास निर्माण हेतु 2,29,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में डालने की व्यवस्था की गई है। मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार, दुकान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राहियों को मात्र 75,000 रुपये में घर मिलेंगे। नगरीय निकायों को जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या क्या है इस योजना में खास। यह एक आवासीय योजना है। इस योजना के तहत सालाना पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम आमदनी वाले सभी शहरी गरीब को पक्का घर देकर उनके जीवन को सरल, सुघर एवं खुशियों से भर देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर स्तर पर छत देने का प्रयास किया जा रहा है। मोर जमीन मोर मकान, इसके तहत शहरी क्षेत्रों के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य मोर जमीन मोर मकान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग वाले आवासहीन लोगों को मकान देना है। 168 नगरीय निकायों में योजना के तहत मकान निर्माण कार्य जारी है।
ऋण ब्याज पर सब्सिडी। हितग्राहियों को आवास निर्माण या खरीदी हेतु 3 से 6.50% तक में ब्याज सब्सिडी दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को अपना पक्का घर। बोडला नगर पंचायत क्षेत्र में संरक्षित जनजाति बैगा के 20 परिवारों को अभी तक योजना का लाभ दिया जा चुका है। अन्य लोगों को भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोर जमीन मोर चिन्हारी, इस योजना का लाभ तालाब पार मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। इसमें मात्र 75,000 रूपए में 5,00,000 रूपए तक का पक्का आवास गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। 75,000 भी हितग्राहियों को 25 आसान किश्तों में पटाना है। इसमें मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता, सर्व सुविधा युक्त आवास देकर जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास। योजना से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलना। जहां आवास दिया जा रहा है वहां बिजली, साफ पानी, सड़क और गार्डन की पूरी सुविधाएं। मोर मकान मोर चिन्हारी योजना में आवेदक हमारी तरफ से चिन्हांकित किए जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना में जो रायपुर शहर के अंदर जो सरकारी जमीनों में जो बेजा कब्जा करके लोग बसे हुए हैं और जो ऐसी बस्तियां जहां डुबान क्षेत्र है, जो तालाब पार पे बने हुए हैं, जो एमआर रोड पे बने हुए हैं, जो बड़े बड़े स्लम एरिया जिनको कहते हैं, जिसमें लोगों के रहवास का स्तर बहुत खराब है, गलियां ठीक से नहीं है, मच्छर हैं, इस तरह की जो जगह है, नालियां ठीक नहीं है, तो उन जगहों को हम चिन्हांकित करके उसका विस्तृत सर्वे कराते हैं और विस्तृत सर्वे करवाने के उपरांत हम उन सब के लिए एक DPR बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट के अनुसार G+4 जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, 2000 मकानों के, 1500 मकानों के, इस तरह रायपुर में बहुत चारों कोने पे रायपुर में मकान बन रहे हैं और पूरे की पूरी स्लम बस्ती को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। इसमें एक मकान की कीमत जो है, जो हम शासन जो बना रही है उसमें उसकी कीमत लगभग 4,75,000 रूपए है, जिसमें 4,00,000 रूपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे और 75,000 रूपए हितग्राही को देना होगा। हितग्राही उस राशि को भी किस्त में दे सकते हैं और इससे ये जो स्लम बस्तियां हैं ये खाली होंगी और उन जमीनों को रायपुर शहर में पार्किंग और अन्य विभिन्न कार्यों के लिए उन जमीनों का उपयोग किया जा सकेगा। तो इस ऐसे भी करीब 8,000 मकान हमारे बन रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम रायपुर को स्लम फ्री करने की ओर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महापौर प्रमोद दुबे का कहना है कि रायपुर निगम क्षेत्र में 100 करोड़ की राशि इस योजना के तहत जारी कर दी गई है। योजना का लाभ गरीबों को दिया जा रहा है, इसके साथ ही लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग की सौगात भी दी जा रही है। जो मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत हमने जो राशि उनको वितरित की मकान बनाने के लिए, जो 2,00,000 से लेकर 2,50,000 रुपए तक के है, 100 करोड़ की राशि हम दे चुके हैं और 100 करोड़ की राशि हमने और उनके लिए रखा है जो आने वाले दिनों में हम देंगे एक माह के अंदर। उसमें भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी रखा है। उसके बदले में हम रियायत के तौर पर उनका नक्शा फ्री ऑफ कास्ट हम पास कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सौगात है कि जिसमें नक्शा फ्री ऑफ कास्ट पास कर रहे हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमको निर्देशित किया कि वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए जो सुविधा हो सके गरीबों के लिए वो जरूर करना चाहिए और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भूपेश सरकार की कोशिश यही है कि सभी लोगों को छत नसीब हो, कोई भी इंसान झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, हर किसी के पास अपना मकान हो, अपनी पहचान हो, अपनी चिन्हारी हो। इस प्रयास को सफल बनाने में मोर मकान मोर चिन्हारी योजना को सफल बनाने की कवायद की जा रही है। कैमरामैन अखिलेश के साथ सहयोगी सत्यपाल एवं शिवम के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से 15 अगस्त को की गई घोषणा के बाद मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में आवास मेला और शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि योजनाओं के बारे में जानने समझने में हितग्राहियों को दिक्कत ना हो। बीते दिनों इस तरह का एक आवास मेला रायपुर नगर निगम में आयोजित किया गया था।
इस 3 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था और मकान पाने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर नगर निगम कार्यालय में लगी ये भीड़ आवास लेने वालों की है। इस तरह की भीड़ सभी शहरी क्षेत्रों में उमड़ रही है। पीएम आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीन परिवारों को आवास देने की शुरुआत कर दी है। राज्य में मोर जमीन मोर मकान के तहत उन परिवारों को सरकार पक्का मकान बनाकर दे रही है जिनके पास अपनी खुद की खाली जमीन, कच्चा मकान या पट्टा वाला मकान है। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष छूट दी जा रही है। ऐसा कोई भी हितग्राही है जिसके पास कच्चा मकान हो, जिसका या मकान ही ना हो, दोनों ही स्थिति, लेकिन जमीन हो खुद के नाम से, और उसकी रायपुर में वो 31 अगस्त 2015 के पहले का निवासरत हो, उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और पूरे भारत में उसका कहीं भी पक्का मकान नहीं ना हो। ये 4 शर्तें अगर किसी की है तो ऐसी स्थिति पे हम उनको जो सब्सिडी 2,28,000 रुपए तक की हो सकती है वो शासन द्वारा मोर मकान मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत दी जाती है। इसके तहत हमको रायपुर में 22,000 मकानों के का टारगेट दिया गया है। अभी तक 8,000 हितग्राही चयनित हुए हैं तो करीब करीब 14,000 हितग्राहियों की आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी भूमि हो रायपुर में या जिसका मकान आबादी जमीन में बना हो, यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो बेदा कब्जा में अपना मकान बनाए हुए सरकारी जमीन में वो इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे, या उनकी खुद की जमीन होनी चाहिए और उसमें उनके पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाया जाएगा, कच्चे मकान को या फिर खाली जमीन पे मकान बनाया जाएगा। आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए अनुदान देगी, जिसमें केंद्र सरकार अधिकतम वित्तीय सहायता 1.5 लाख रुपए देगी, वहीं राज्य सरकार अधिकतम वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए देगी। मकान निर्माण की शुरुआत हितग्राही को स्वयं के संसाधनों से करना होगा। इसके बाद ही भूतल के लिए 4 किस्त एवं प्रथम तल के लिए 3 किस्त में बैंक के माध्यम से ये अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राही को मात्र 75,000 रुपए में घर मिल जाएंगे। अभी तक के रायपुर शहर में जितने मकान हम लोगों ने दिए हैं उसमें अधिकांश वो लोग थे जो तालाब के किनारे थे या जो पूरी बस्तियां थी, उस पूरे बस्ती के लोगों को एक साथ उस जगह से हटा करके पक्के मकान बहुत जगह दिए गए हैं। कैनाल लिंकिंग रोड जब हमने बनाया तो वहाँ रोड बनाने के लिए हमको पूरी जगह की आवश्यकता थी, उसमें मकान दिया। करीब 2000 ऐसे लोगों को मकान दिया जो एक्सप्रेस वे जो बना रहे थे, तो उस समय पारस नगर और बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ लोग काबिज थे। तो अब हमने चिन्हांकित किया कि रायपुर शहर में जितने किराएदार हैं जिनकी आमदनी कम है और वो मकान लेना चाहते हैं उनके लिए हमने योजना लाई है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में। जो सब्सिडी की राशि है लगभग 2,00,000 से लेकर 2,75,000 तक के, वो सारे EWS के हमारे मकान या कॉलोनाइजर्स के जो मकान जो गरीबों के लिए बनाए हैं या हाउसिंग बोर्ड के मकान, उसमें हमने बैंक वालों को भी यहाँ बिठाया है ताकि उनको लोन बहुत आसानी से मिल सके और कोई किराए में शहर में ना रहे, अपने उसके खुद के मकान हो, ये प्रयास हम सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये हमारा प्रयास है। यहाँ पे शिविर लगाने का उद्देश्य उनको योजना समझाने के साथ उनको घर दिलाना है। इसलिए हम प्राथमिकता के तौर पे किराएदार और दूसरा BLC मोर जमीन मोर मकान को फोकस कर रहे हैं। मोर जमीन मोर मकान के लिए उन्हें स्पष्ट बताया जा रहा है कि आपका आबादी पे घर होना चाहिए, जो पटवारी से वेरीफाई हो, रजिस्ट्री होना चाहिए जिसपे नक्शा पास हो सके और जीवित पट्टा होना चाहिए। योजना का नाम हर स्टेट अपने आप में बदल सकता है। जैसे BLC जो बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन है उस योजना का नाम छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर मकान है, वैसे ही AHP
योजना का छत्तीसगढ़ में नाम मोर मकान मोर चिन्हारी है। तो योजना तो एक ही है, पर स्टेट अपनी भाषा और लोगों के समझ के हिसाब से थोड़ा नाम में परिवर्तन कर सकता है, अपना लोकल नाम रख सकता है। वहीं सरकार ने किरायेदारों को भी मकान देने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत देश भर में जिनके पास कहीं भी मकान नहीं है, ऐसे किरायेदारों को भी सरकार सस्ते दरों पर मकान उपलब्ध करा रही है। उन्हें भी आवास योजना का लाभ दिलाने शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का एक और घटक है CLSS। इसमें जो किरायेदार हैं, जो किराए के मकान पर रहते हैं और हर महीने एक काफी बड़ी राशि देते हैं, तो उनके लिए ये योजना है। इसमें वो कोई भी व्यक्ति जो लोन लेता है किसी भी योजना से, कहीं प्राइवेट बिल्डर से हो, चाहे RDA से हो, कहीं से भी वो मकान खरीदे, तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के देंगे तो जो बैंक लोन के लिए, जो बैंक लोन उनको मिलेगा, उस लोन पे जो ब्याज दर बैंक देगी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.5% तक, ये कम होता जाएगा जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती जाएगी और बैंक लोन बढ़ता जाएगा, ये जो परसेंटेज है ये कम होता जाएगा, परंतु फिर भी इस योजना में भी लगभग 2.5 लाख रुपए तक की एक प्रत्येक हितग्राही को लाभ होगा। और जो गरीबों को, विशेष रूप से जो EWS मकान खरीदते हैं और वो अगर बैंक से लोन लेते हैं 6 लाख रुपए का, तो उनको 6.5% तक का बैंक ब्याज दरों में छूट मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें आदमी अपनी खुद की मर्जी से मकान खरीदता है। और इसमें एक और बात है कि 18 लाख तक की इनकम, जो लोअर मिडिल क्लास भी है और अपर मिडिल क्लास भी है काफी हद तक, वो 18 लाख तक की इनकम वाले लोग भी अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उनको ब्याज दर में छूट मिल जाती है। सुनिए क्या कहना है शिविर में आने वाले लोगों का। इस योजना का पता चला तो इसका फॉर्म भरने आए हुए हैं, ताकि मतलब इस योजना से हम भी लाभान्वित हो सके। जो हम किराया रेंट में दे रहे हैं उधर न देके इधर देंगे। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, तो अपने को जैसे अपन लोग किराए में रहते हैं, तो जो किराए में रहने वाले लोगों के लिए ये थोड़ा सहयोग है कि जैसे इंस्टॉलमेंट में भी अगर जैसे सरकार हमको घर दे रहा है तो हमसे जितना हो पाएगा हम भी उसमें करेंगे। मुझे लग रहा है इस योजना से मुझे फायदा भी मिलेगा, और जो मैं रेंट में पैसा देता था वो पैसे मैं बजट करके यही बैंक में फाइनेंस कराऊंगा और एक दिन मुझे अपना पक्का मकान मिल जाएगा। और इस योजना के लिए सरकार को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। वास्तव में सरकार जिस तरीके की योजनाओं से आम लोगों को जोड़ रही है, गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास देने की कोशिश कर रही है, उससे जल्द ही शहरी क्षेत्र में निवासरत परिवारों के पास अपनी खुद की चिन्हारी स्वयं का आवास होगा। सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उन बस्तियों में जहां के रहवासियों को उनका अपना नया आशियाना मिल गया है। इससे पहले इन लोगों ने सालों तक अपनी जिंदगी गंदगी, गंदे पानी, बीमारी, मच्छर, कचरे से घिरी बस्ती में गुजारी है। लेकिन अब ऐसे लोगों को भूपेश सरकार की ओर से नई पहचान, नई चिन्हारी प्रधानमंत्री आवास के तहत मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत मिल रही है। सबसे पहले इस इलाके को देखिए, शहर में इस इलाके को देखकर गांव ना समझिएगा, क्योंकि ऐसी ही बस्तियां, ऐसे मोहल्ले आपको किसी भी शहर, नगर, यहां तक कि महानगरों में तक मिल जाएंगे। यहां आपको मिल जाएंगे तालाब पार, नाले किनारे, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग। ना जाने कितने ही लोग की जिंदगी इन मलिन बस्तियों, झोपड़पट्टियों में गुजर गई। कुछ यही जन्मे तो कुछ यही से परलोक सुधार गए। लेकिन अब जो यहाँ के रहवासी है उनके साथ पहले जो हुआ अब नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जा रहा है। जिनके पास कच्चे मकान, आवासीय पट्टा है, उन लोगों को एक पक्के व्यवस्थित मकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के लोग। पहले वहाँ पानी भर जाता था, टपकता था, सुविधा नहीं था इतना अच्छा, हम लोग नहीं कर पाते थे। अभी सरकार अच्छा सुविधा दी है, उसका लाभ अच्छा मिला हम लोग को। अभी आए हैं तो अच्छा लग रहा, अभी शिफ्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कैसा है आप लोगों का मकान? अभी तो एक रूम है, हॉल है, किचन है, लेटरिन है, बाथरूम है, दो बालकनी है। अच्छा, अभी बस मीटर लग जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएंगे हम। इस मकान के लिए आप सरकार के लिए क्या कहेंगे, धन्यवाद देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत अच्छा है सर हम लोगों के लिए,
15 साल से 20 साल से अभी जो झोपड़पट्टी में जो थे, आज हमको 5 लाख की प्रॉपर्टी मिल रहा है। बदले में 65,000 दे रहे हैं सर, कोई बात नहीं, लेकिन हमको एक सुंदर से अच्छा सा कॉलोनी में बसाया जा रहा है और मैं चाहता हूँ इसके लिए जो वर्तमान गवर्नमेंट सरकार है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप लोगों को तकलीफ होती थी और अब नए मकान को देखकर कैसा लग रहा है? हाँ सर, अभी क्या है कि पहले इसलिए तकलीफ होता था कि हमारा छोटा छोटा घर था, एक कमरे में गुजारा नहीं हो पा रहा था। आज सरकार की ओर से हमको एक हॉल और एक बेडरूम करके बड़ा बड़ा रूम मिला है, तो उसमें हमारा गुजारा बसर अच्छा से हो जाएगा सर। आपको मकान मिल चुका है? हाँ मिल चुका है सर। 2006-07 से आया था, उस समय यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय की थी, चलने में बहुत तकलीफ होती थी। पानी कहाँ से हम लोग लाते थे? कविता नगर से। बरसातों के समय में इतना यानी व्यवस्थित नहीं था, उस समय बाट पार्षद थे राजू नाम था ना, तो वो बनवाया था रोड। राजू राघव। तो धीरे धीरे डेवलप होते गया। आज की स्थिति में ऐसा है कि आज सरकार घर के बल्दी में ये अपने को फ्लैट दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने लोग रहते थे और गुजारा हो पाता था? गुजारा तो उस समय तकलीफ बहुत थी। अब नया मकान को देख के अच्छा लग रहा है। खुश है। धन्यवाद। धन्यवाद है सरकार को, बहुत धन्यवाद। सरकार जो योजना चला रही है आप लोगों को छोटी बस्तियों से झुग्गी झोपड़ियों से मकान पर ले जाने, कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगी आप? ठीक है, अच्छा लगा थे। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। सरकार का धन्यवाद देंगी? हाँ धन्यवाद। नई सरकार आप लोगों के बीच ध्यान दे रही है, आप लोगों की बस्तियों में पहले कैसी तकलीफ होती थी और अब नए मकान को देखकर कैसा लग रहा है? लगा था ठीक लगा थे, फिर भी थोड़ा सा नीचे छोटे धरती माता, लेकिन अब ऊपर में जा था। राजीव नगर बस्ती इलाके के लोग बेहद खुश हैं, इनके पास अपनी खुशियों को बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं। ये भूपेश सरकार को धन्यवाद कहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें नरकी जीवन से मुक्ति मिल गई है। बारिश के दिनों में बस्तियों में पानी भर जाता है, तब यहाँ जीवन काटना बेहद कठिन रहता है। इन परिस्थितियों में अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। गंदगी, बदबू और ना जाने कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारा गुजारा होता है, लेकिन 75,000 रुपए में अब खुद का एक बढ़िया मकान, पक्का मकान मिल रहा है। हम सच में बहुत खुश हैं। सरकार ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों की सुध ली है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमको कच्चा मकान से लेकर पक्का मकान में ले गए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले झुग्गी झोपड़ियों में आप लोगों का गुजारा कैसे होता था और अब नए मकान को देख करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी हम लोगों का परिवार बड़ा था तो छोटा सा झोपड़ी में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता था, तो क्या है छोटा झोपड़ी से जाके हम लोग बड़ा मकान में गए तो हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आपके मकान में कितने कमरे हैं, क्या है, कैसा लग? हमारा मकान में अभी एक हॉल है, एक बेडरूम है और एक किचन है, और प्लस उसमें लेटरिन बाथरूम भी दिया गया है। सब चीज़ का सुविधा है, नल लगाया गया है, मीटर भी सुविधा है, तो उसमें उसे वो सब चीज़ आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। सरकार की ये जो योजना है आप लोगों को झोपड़ी से उठा करके पक्के मकान मिल रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पहले क्या तकलीफ होती थी झोपड़ी में और अब मकान को देख कर क्या नए सपने आ रहे हैं आपके? सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी सरकार ने जो हमको घर दिया है वो बेहतरीन दिया है और बहुत अच्छा दिया है। उसमें सब सुविधा भी है, नल का, लैट्रिन बाथरूम, बालकनी दिए है, दो कमरे दिए हैं, उसमें काफ़ी अच्छा है, हमारे झोपड़ी से अच्छा है। पहले तो बारिश में पूरा हम लोग को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दिक्कत होता था, पानी भर जाता घरों में और एकदम बहुत मुसीबत से हम लोग। और अब पक्के मकान को देख करके अभी बहुत खुशी है हम लोग, और सरकार ने हम लोग गरीबों के लिए अच्छा किया है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले कितने सालों से झोपड़ी पर रहते थे हम लोग को? तो 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। हाँ। और अब जाएंगे पक्के मकान? हाँ, अभी तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बहुत हम लोग सब खुशी है, सब बस्ती वाले सब खुशी है। अच्छा, आपको मिल चुका है मकान? हाँ जी मिल चुका है। अभी तो लॉटरी हिसाब से खुला है वहाँ का, जिसको जिसको जहाँ पे लॉटरी दिया है वहाँ पे निगम से, उसके बाद अपना कॉम्प्रोमेशन कर रहे हैं कि किसी को आजू बाजू रहना है ना, हम लोग एक दूसरे भाई बहन लोग एक जैसे रहना चाहते हैं, जिसको ऊपर नीचे मिला है तो दो जन को मिला है ऊपर नीचे फिर दो जन को, तो आज आइट साइड में ही कर रहे हैं, तो एक आवेदन भी डाले हैं हम लोग, तो निगम वाले मान भी गए हैं। तकलीफ होती थी पहले 20 सालों में? हाँ पहले तो बहुत तकलीफ झेले हम लोग, यहाँ पे उड़ जाता था मकान जब, जैसे हवा तूफान आने से, बारिश होने से भी बहुत तकलीफ होता था, बहुत कीचड़ था उस समय जब हम लोग आए तो, दलदल था यहाँ पे। धीरे धीरे थोड़ा सा ये हुआ तो रोड वगैरह बना,
और बना लिए बहुत लोग तो घर भी बना लिए थे। आप लोगों के बीच ध्यान दे रही है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का तो है ना। हम लोग यहाँ से फिर अब कॉलोनी में जा रहे हैं है ना। तो जो भी है अपना घर छोड़ने का दुख तो है, बहुत दुख है, लेकिन मिल रहा है नया मकान मिलने की खुशी भी है ना। तो जैसे है अपना वहाँ भी जाने के लिए खुश है। वास्तव में सरकार ने मोर जमीन मोर मकान योजना को स्थानीय पहचान देने, छत्तीसगढ़ी भाषा में जो नाम दिया है वो नाम इस योजना को सार्थक बनाने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर चिन्हारी योजना हर मायने में बस्ती में रहने वाले लोगों की चिन्हारी है। उम्मीद है कि इस योजना के तहत 100% गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। उनके पास शहर में अपना पक्का छत, अपना आशियाना होगा, मकान होगा और वो उनकी चिन्हारी होगी। कैमरामैन अखिलेश और सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।